राजधानी शिमला में घुड़सवारी करना अब आसान नहीं होगा। घुड़सवारी करने वालों को अब अपनी जेबें ज्यादा ढीली करनी होगी। घुड़सवारी का शौक रखने वालों को पहले से ज्यादा पैसे घुड़सवारी के लिए अदा करने होंगे, क्योंकि नगर निगम अब घोड़ा संचालकों से कर नहीं वसूलेगा। हालांकि नगर निगम द्वारा घोड़ा मालिकों के वार्षिक पंजीकरण शुल्क में भले ही अब बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अब घुड़सवारी करने वालों से 10% अतिरिक्त राशि कर के रूप में ली जाएगी। के मुताबिक जो जो रेट इन्होंने हमें बताए थे कि हम ये रेट लेते हैं टूरिस्टों से, तो वो रेट हमने हाउस से अप्रूव कर लिए थे। उसके लिए एग्री हो गए थे, तो हमने ये कहा था कि जो लिद नगर निगम उठाता है उसमें से जो है हम आपका 10% काटेंगे और जो हमने लेबर रखी है वो पेमेंट उनको करेंगे। इस पे घोड़े वाले एग्री नहीं हुए, तो आज हमने दोबारा इनके साथ मीटिंग रखी। फिर हमने इनको यही निर्णय लिया हमने कि ये गरीब लोग हैं और हम जो 10% या 5% जो लिद उठाने का हो हम टूरिस्ट से ही लेंगे, और लेकिन हम 25 जरूर काटेंगे, क्योंकि ये लोग ना जो बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट मनमाने से उनसे रेट लेते हैं। तो हमने आज ये डिसाइड किया कि हम एक रेट लिस्ट जो है जो हमने हाउस में रेट फिक्स किए हैं वो हम लाएंगे। किसमें से ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये बैठक दीजिए कि आप ये घोड़े के लिए खुद उठाएंगे और आपका ये टैक्स लगा रहे थे 10%। तो कल साहब ने हमें चिट्ठी भेजी कि आप हमारे से मीटिंग करें और हमारे से बातचीत करें, तो यहाँ आज साहब से बातचीत होगी। उसके में साहब ने कहा कि ठीक है आपके 10% हम नहीं बढ़ाएंगे और आपका जो जो लाइसेंस फीस है सिर्फ हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे थोड़ी सी, यानी कि 500 रुपये साल का देंगे आप कॉर्पोरेशन को, बाकी सारा काम कॉर्पोरेशन ही संभाल रहा है। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।